जहां भारत में कोरोना के कप्पा और डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरसाया हुआ है और खौफ का माहौल बढ़ाया हुआ है, वहीं केरल में जीका वायरस का 13 मामले सामने आए। ऐसे में कहा जा रहा है क्या जीका वायरस कोरोना वायरस के बाद नई महामारी बन सकती है। पहली बात तो ये है कि जीका वायरस नई नहीं है, पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, और दूसरी बात ये है कि पहले ही देश और दुनिया एक महामारी से जूझ रही है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीका वायरस क्या है, कैसे फैलता है और इससे किस तरह से बचाव कर सकते हैं। बात करें जीका वायरस की, जीका वायरस क्या है, तो जीका वायरस एडिज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। एडिज एल्बोटिक्स जो कि एडिज प्रजाति के ही मच्छर हैं उसे काटने से फैलता है। बता दें पहले ही कि एडिज मच्छर के कारण मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारी भी फैलती है। अगर बात करें कैसे फैलते हैं, तो इसके फैलने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि मच्छरों के काटने से जो एडिज मच्छर होते हैं, अगर संक्रमित व्यक्ति को भी कोई मच्छर काट ले तो मच्छर में भी वायरस चला जाता है, और वो मच्छर जब किसी और को काटता है यानी कि नॉर्मल मच्छर, तो उसके थ्रू भी जीका वायरस फैल सकता है। और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से यानी कि जो व्यक्ति संक्रमित है उसके साथ रिलेशन रखने से, जैसे कि अगर पति या पत्नी किसी एक को हुआ हो तो दूसरे के होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। माँ के थ्रू बच्चे में भी होने की संभावना रहती है, यानी कि जो गर्भावित माँ होती है उसके थ्रू बच्चे में भी होने की संभावना बरकरार रहती है। अगर बात करें इसके लक्षण की, तो देखा जाए तो कोविड की तुलना में इसके लक्षण बहुत ही हल्के होते हैं, और WHO के अनुसार इसमें ज़्यादातर अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती। बट अभी जो 13 मामले सामने हैं वे लोग हॉस्पिटल में ही भर्ती है, तब बात है कि उनकी हालत में सुधार है। अब बात करें इसके लक्षण की, तो इसमें सरदर्द, बुखार, बेचैनी, मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन, उल्टी, इस तरह के लक्षण सामने आते हैं। इनमें ज़्यादातर केस में आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है जब जरूरत से ज़्यादा पड़ जाता है और इस तरह के लक्षण सामने आते हैं। तो इस तरह कंडीशन में आप हो सकता है पेन किलर ले, पर बिना डॉक्टर के संपर्क किए पेन किलर का इस्तेमाल ना करें। अगर बात करी जाए इसकी दवाइयों के या फिर इसके वैक्सीन या किसी भी चीज़ टीकों के, तो अभी तक दुनिया भर में जीका वायरस के कोई भी टीका या वैक्सीन या दवाई उपलब्ध नहीं है, यानी कि अगर एक महामारी का रूप सही में ले लेती है तो इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, कोई भी दवाई नहीं है। इसे सिर्फ आप अपनी नॉर्मल दिनचर्या को सुधार करके, योगा के थ्रू और इसके लक्षणों के अनुसार दवाइयाँ लेके ही ठीक कर सकते हैं, जैसा कि कोविड में भी किया जा रहा है। अब बात करें इसके बचाव के, तो पहले ही बता दिया कि एडिज नामक मच्छर की प्रजाति से फैलता है, तो हमें बचाव करना है मच्छरों से, यानी कि मच्छरों को घरों के आसपास में पनपना ना दें। कूलर या फ्रिज, इस तरह के जो भी आइटम होते हैं उनमें जो पानी जमा रहता है उनमें मच्छरों को पनपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनके साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। आसपास में अगर पानी जमा हो तो उसे जमने ना दें, अगर जमा हो तो उसमें कैरोसिन या फिर ब्लीचिंग डालकर पानी को साफ सुथरा रखें ताकि मच्छर या कोई भी और कीड़े मकोड़े पनप ना सके। तो इस तरह के बचाव के थ्रू हम एडिज नामक मच्छर से बच सकते हैं, और ये आपको दिन या रात, ऐसा नहीं है कि रात को सोने समय ही हमला करता है, एडिज मच्छर दिन में भी आपको काट सकता है और संक्रमित कर सकता है। हमें इतना ध्यान रखना है कि मच्छर हमें काटे नहीं, जो कि शायद संभव नहीं है।